हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। तो आज हम जा रहे हैं हॉट स्प्रिंग, तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसा है ये हॉट स्प्रिंग सिंगापुर का। और आप रेंट आउट कर सकते हैं बकेट, या अपनी पर्सनल लाए हो तो वैसे यूज कर सकते हैं। ये एक रेस्टोरेंट भी यहाँ पे अवेलेबल है आपके स्नैक्स और नाश्ते के लिए, तो आपको उसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर आप यहाँ आते हैं तो आप अपना पर्सनल खुद का भी नाश्ता वगैरह लेके आ सकते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ पे इजीली। Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me fucked up. Let me show you what's up. Enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted. So mad I can taste.
do. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. हेलो एवरीवन, तो ये है हॉट स्प्रिंग सिंगापुर का, जो कि सेंगबोंग एरिया में है लोकेटेड। और आपने देखा होगा कि हॉट स्प्रिंग काफ़ी कंट्रीज में होता है, तो यहाँ पे भी ये है। और नॉर्मली हाइड्रोथर्मल, जियोथर्मल दो प्रकार के हॉट स्प्रिंग्स होते हैं। तो हाइड्रोथर्मल मतलब जो पानी से जहाँ पे जिसको गर्म करके हीट क्रिएट की जाती है, तो यहाँ पे वही उसी प्रकार का है। तो जहाँ पे आपको जो मैंने दिखाया था, तो जो एक कमरे जैसा बना हुआ था रेड कलर में, आपने ब्रिक्स का देखा होगा, वो वहाँ पे जो है थर्मल किया जाता है, मतलब थर्मल हीट प्रोड्यूस की जाती है वहाँ पे। और वहाँ पे जनरेटर लगा हुआ है, उससे वो पानी गर्म होता है और यहाँ पे फिर लोग उसको इंजॉय करते हैं। बेसिक गाइडलाइंस हैं यहाँ की, जो कि आपको फॉलो करनी ही करनी है और जो आपकी ही बेहतरी के लिए है। तो हॉट स्प्रिंग पूल के अंदर जाने से पहले आपको पैर वॉश करना बहुत ज़रूरी है, जो कि अच्छा है ताकि पूल ख़राब नहीं होगा।
और जैसा कि आपने अभी वीडियो में देखा है, यहाँ पे लोग एग्स भी लेके आते हैं, अंडे वगैरह लेके आते हैं और वो भी बॉईल करके खाते हैं। और चाय पानी भी आप यहाँ पे चाय वगैरह भी बना सकते हैं, हॉट वाटर ड्रिंक कर सकते हैं अगर आप पीना चाहें तो। लोग अपना बॉडी का मसाज वगैरह, सेक जो बोलते हैं, गर्म पानी से सेक करना या पत्थरों से गर्म सेक करना करते हैं यहाँ पे आके। और चाय वगैरह भी आप, क्योंकि गर्म पानी ऑलरेडी अवेलेबल है तो आप अपना मिल्क पाउडर वगैरह ला के चाय वगैरह का भी आनंद ले सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर दी गई है, पर क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है तो थोड़ा सा सेफ डिस्टेंसिंग फॉलो करना बहुत ज़रूरी है और मास्क लगाना अनिवार्य है। तो पैर जाने से पहले और आने के बाद दोनों धो लीजिए तो आपके लिए, आपकी बेहतरी के लिए भी अच्छा है और यहाँ का नियम भी है।
ठंडे प्रदेशों में ये हॉट स्प्रिंग बहुत कॉमन है, और ये जैसे आके आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आप अपना स्क्रबर वगैरह ला के अपनी डेड स्किन वगैरह भी निकाल सकते हैं गर्म पानी से, जैसा कि हम घर पे नॉर्मली करते हैं। तो इस तरीके का लोग यहाँ पर आते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं। बंद तो 7 बजे तक ओपन रहता है ये, तो 7 बजे हो जाता है बंद। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं, कोई सुधार करना है तो ज़रूर लिखिएगा। और तब तक के लिए नमस्कार, शुभरात्रि, शुभ आकर, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।